गुजर जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब के राजनीतिक वारिस मान्यवर कांशी राम ने कहा, और चमचों को तो आप पहचानते होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ इतिहास जानो नौजवानों, क्योंकि आपको भटकाने वाले लोग रोज व्हाट्सएप पर ट्रोल भेजेंगे, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम्हारा धर्म इधर खतरे में है। तुम उनसे पूछना कि तुम्हारा स्कूल खतरे में था तब तुम कहाँ थे, तुम्हारी नौकरी खतरे में थी तब तुम कहाँ थे, तुम्हारा रोजगार खतरे में था तब तुम कहाँ थे। इसलिए अम्बेडकर की बात करना जब शिक्षा की बात करना हो। मेरे पहले एक बात बोली गई ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा की बात की, आज नारा दिया कि अब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। एक जमाने में नारा लगा करता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आज इस देश में शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है पता है आपको? बताया आपको 3% से भी कम खर्च हो रहा है शिक्षा पर। पता है आप हीरा खरीदने जाएंगे तो कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 3%। और कलम और किताब खरीदने जाएंगे तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा? 18%। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा होता तो कलम और किताब पर टैक्स नहीं लगाता कि मुफ्त में सबको शिक्षा देने की बात है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की बात करना, शिक्षा और स्कूल कॉलेज को बचाने की बात करना है। नौजवानों, 1948 में माननीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी समाज को एक संकेत दिया, और उस संकेत में उन्होंने एक बात कही थी, ओबीसी समाज को मेरा यह पैगाम नहीं है कि आप दलित समाज के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं उस भाषण में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप अपनी संस्कृति मानो हम अपनी संस्कृति मानेंगे, लेकिन आपका भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है और हमारे समाज का भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है, इसलिए हम आपको जगाने और एकजुट करने आए हैं। चलो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों, इस देश के 90% कमेरा लोगों, तुम एकजुट हो जाओ, तुम्हें 10% लुटेरा लोगों से लड़ना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चेतना है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कविता सुनी ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमारा भी मकसद कहीं उत्तेजना। अरे भाई, हम क्यों चाहेंगे कि आयोजन समिति हमारी वजह से मुश्किल में पड़ जाए कि अगली बार इस कार्यक्रम की परमिशन ही ना मिले। इसी 13 अप्रैल को मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था बाबा साहब की जन्मस्थली महू में, और रात में ही कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। अभी कितना इशारा करना बाकी होगा देश के बाबा साहब के बच्चों कि संविधान कितना खतरे में है। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अगर परमिशन लेनी पड़ गई तो कुछ दिन बाद जय भीम बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बात मैं कहके जा रहा हूं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बाबा साहब ने 1948 में एकजुट होने का संकेत दिया था। मैं आगरा के इस मंच से अपने ओबीसी समाज के लोगों से एक आह्वान करने आया हूं, उठो किसानों, उठो कमेरा लोगों, खेत में काम करने वाले लोगों, हल चलाने वाले लोगों, कुदाल फावड़ा चलाने वाले लोगों, जितने भी हाथ से श्रम करने वाले लोग हैं, आप सब एकजुट हो जाओ और अपने बच्चों को कलम और किताब दे दो, वरना अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो कलम और किताब आपके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ लोग हैं जो आपके हाथ से कलम और किताब छीन करके कुछ और पकड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको इशारे में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हमारे पुरखों के हाथ में फरसा था, उन्होंने पीढ़ियों अपने खून पसीने से इस दुनिया को रहने लायक बनाया, और जब देश के नए विश्वविद्यालय बने तो आओ देखो संविधान कैसे में खतरे में है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2020 तक इस देश के 596 कुलपतियों में से केवल 6 कुलपति दलित समाज के, केवल 6 कुलपति आदिवासी समाज के, केवल 36 कुलपति ओबीसी समाज के थे, और 550 कुलपति केवल एक ही तबके के थे। बताओ यहां संविधान लागू हुआ है क्या? इस देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी आज भी 90 में से केवल 3 ओबीसी हैं, 1 दलित और 1 आदिवासी है। बताओ यहां संविधान लागू हुआ है क्या? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि मीडिया में 121 बड़े पदों में से
एक दलित और एक ओबीसी है, आदिवासी एक भी नहीं है, 118 एक ही तबके के लोग बैठे हैं। बताओ संविधान खतरे में है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे एक अपील करने आया हूं, ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, जो सज्जन आपत्ति करने आए थे उन्होंने मुझसे यही कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, ये झूठ नहीं बोलना है। तो भाई झूठों ने झूठों से कहा है, सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। इसलिए सच ये है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम आप भी महफूज नहीं रहे। संविधान है इसलिए हम हैं, संविधान है तो हमारे लोगों की नौकरी है, नहीं तो क्या होगा, मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तीसरा काम जो ओबीसी समाज के लिए किया और इस पैगाम को गांव गांव पहुंचाना, 1951-52 के बाद बाबा साहब अंबेडकर जब केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें तीन कारण बताए। पहला कारण बताया कि हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो रहा है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरा कारण बताया कि ओबीसी को बनने वाला कमीशन अभी तक नहीं बना है जिससे ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यह है ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर का देन और इसको गांव गांव में पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दी, चाइल्ड केयर लीव दी, काम के घंटे कम किए, वेतन बढ़ाया, उनको अपने काम के चीजों को अधिकार दिया, और आज तक महिलाओं के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बैंकों के लिए क्या किया? विदेश में रह करके डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपना पर्चा लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, और उसके बाद उसको इलोबरेट किया तो बाद में आजाद भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना है वो डॉक्टर अंबेडकर के पर्चे पर बना है, और वो बाबा साहब को कहते हैं कि दलितों का नेता। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया, बराबर काम का बराबर दाम मिले, श्रमिकों को छुट्टी मिले और उनको वेतन और भत्ता मिले। सरकारी नौकरी में जितने लोग थे उनको पे ग्रेड ग्रेच्युटी देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस देश में 5-5 अखबार निकाल करके मीडिया कैसे काम करती है इसको सिखाने और समझाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ओबीसी समाज को हक दिलाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। दलित समाज को पहचान दिलाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और देश का संविधान बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस बात को गांव गांव कहने की जरूरत है। अब जरा एक इम्तिहान ले लो, अगर इतना काम किसी और नेता ने किया होता और कोई और देश होता तो हर पढ़े लिखे आदमी के घर में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो होती कि नहीं? बताओ आप, एक एक कड़वा सच और पूछो, आज डॉक्टर अंबेडकर की फोटो किसके घर में मिलती है? बताइए किसके घर में मिलती? समझ गए ना, अभी इस देश को अभी और सुधारना बाकी है जो संविधान से सुधरेगा। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा कह के हम बहुत दिन तक इस दुनिया को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है मानवता, डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्री लेकर के पढ़ करके आए थे और 32 की 32 डिग्री ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी। मैंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, समझ गए ना? ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर के पास कितनी थी? 32। कितनी थी? 32। 32 डिग्री जिसके पास हो वो नौकरी करने जब आया सयाजी बाग गायकवाड़ के, वहां पर चपरासी ने फाइल फेंक कर दिया। इतिहास पढ़ना नौजवानों, वरना तुम्हें भी कोई आकर के कहेगा मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाए। बच के रहना, तुम्हारी झोपड़ी के भाग अगर जगेंगे तो शिक्षा से जगेंगे और किसी चीज से नहीं जगेंगे, कलम और किताब से जगेंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़कर वापस आए तो फाइल फेंक कर दी गई। आज ही गूगल करना जाकर के, सयाजी बाग मैं वहां गया हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए अलग से दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर रोए थे बैठ करके। हम एक मसीहा की बात कर रहे हैं ना, तो सच्ची बात कहना जरूरी नहीं है?
डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में बड़ोदरा में जगह है गुजरात में, और वहां पर बैठकर रोए कि मैं इतना पढ़ लिख करके वापस लौटा तो मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वहां संकल्प लिया था कि जब तक इस देश से जाति का विनाश नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास मौका था, इतने पढ़े लिखे थे कि वो विदेश चले जाते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेश नहीं गए, इसी देश में रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है कि जब मेरे हित में और मेरे समाज के हित में टकराव होगी, मेरे हित में मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, लेकिन जब देश के हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा, मेरे हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के लिए खड़ा होऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहते थे। वो दो तीन किस्से और सुन लो, आप फिर और वक्ताओं को सुनना बहुत देर हो गई। बाबा साहब अंबेडकर एक बात सुनो और एक बात और बड़ा किस्सा कहानी बहुत जरूरी है इशारों में बात कहने के लिए। एक बार जंगल में क्या हुआ कि शेर राजा था, एक गधा और बाघ आपस में लड़ने लगे। आखिरी के दो दो बातें कहूंगा, गधा और बाघ आपस में लड़ने लगे, भोजपुरी समझते हैं। तो गधा कहा कि ये घास काले रंग की है, बाघ कहा नहीं भाई ये घास तो हरे रंग की। गधा बोला नहीं घास काले रंग की है, बाघ बोला नहीं ये साफ दिख रहा है तुम गधे हो क्या, ये घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, दोनों कहे कि अब फैसला होगा, चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों राजा के पास गए, शेर राजा था, राजा से उन्होंने कहा कि भाई गधा कह रहा है कि ये घास काले रंग की है। गधा बोला नहीं हुजूर आप ही देखिए ये घास काली ही है, ये कह रहा हरे रंग की। राजा ने फैसला सुनाया, आगरा वालों इशारा समझ जाओ तो बताना। राजा ने फैसला सुनाया कि बाघ बाघ को सजा दी जाए, ये एक साल के लिए जंगल से बाहर चला जाए। गधा इसके बाद खूब नाचता गाता उछलता कि मेरे हक में फैसला हुआ मैं जीत गया, और खूब खुश होकर के चला गया। बाघ गया शेर के पास पहुंचा और कहा हुजूर ये कैसा न्याय है, आप भी देख रहे हैं कि घास हरे रंग की है और आपने गधे के पक्ष में फैसला दे दिया। आगरा के लोगों इशारा समझ जाओ तो कहना। शेर ने कहा कि हमको भी पता है कि घास हरे रंग की है, ये फैसला इसलिए नहीं दिया कि तुम गलत थे, तुम्हें सजा इसलिए दी है कि तुम सारा काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। समझदार को सारा काम ही है। कुछ लोग आएंगे और समझाएंगे कि भारत आजाद हुआ है 2014 के बाद, आप कहना नहीं भारत आजाद हुआ जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन से ये भारत सबका भारत बना है। इसलिए झूठ से जरा बच के रहना। बाबा साहब अंबेडकर होने का मतलब है सच बोलना, और सच बोलने के लिए जोखिम उठाना। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, मुझे नौकरी से निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं था, बाकी बातें छोड़ देते हैं। नौकरी से निकाला तो मेरे सामने भी विकल्प था कि मैं उन्हीं की जय में जय बोल के कहूं कि हाँ भारत 2014 में ही आजाद हुआ है। मैं ये बोलता तो मुझे नौकरी मिल जाती, लेकिन मैंने ये चुना और तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए आपसे कहने आया हूं इस देश को आजाद कराने में हमारे लोगों ने फांसी का तख्ता चढ़ करके चूम लिया। भगत सिंह जेल में बंद थे, भगत सिंह से जाकर अंग्रेजों ने पूछा कि बताओ, तो भगत सिंह ने अपने साथी को खत लिख करके भेजा कि उनका उनकी ये जिद कि नया तर्जे जफा क्या है, इसका मतलब कि वो पूछते हैं कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, कि उनकी ये जिद कि नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखें सितम की इम्तहा क्या है। आज इस देश में सवाल ये नहीं है कि लक्ष्मण यादव प्रोफेसर बचेगा या नहीं बचेगा, आज सवाल इस बात का नहीं है कि मैं यहां से सुरक्षित घर वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, सवाल इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे हिसाब मांगेंगी आगरा के लोगों।
आप 30 साल से ये भीम जयंती मना रहे हो ना, आप 30 साल से इसलिए मना पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मसीहा है। और इसी आगरा में उसने एक चेतावनी दी थी, पुराने लोग जानते होंगे, उस चेतावनी को दोहराऊं क्या? जानते हैं ना वो चेतावनी क्या थी? किसने धोखा दिया डॉक्टर अंबेडकर को? समझदार को? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक पहुंचाया हूं। आगरा के लोगों, रील्स देखते हो ना, इसके रील्स बना के गांव गांव पहुंचाना, क्योंकि उधर से भी गांव गांव एक रील्स पहुंच रही होगी, मैं बचपन में नाली के गैस से चाय बनाया था, अगर उससे चाय बनती तो सिलेंडर 1000 रुपया क्यों होता? इसलिए तर्क और वैज्ञानिकता का नाम है डॉक्टर अंबेडकर, अंधविश्वास और पाखंड का नाम अंबेडकर। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं, डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी, मसीहा पुरखा क्या कह के गया है सुनना अंबेडकर वालों। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक पहुंचाया। बताइए पुराने जितने लोग हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य है कि नहीं? बताइए लिखा है कि नहीं? इसके लिए लिखा था कि बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक पहुंचाया हो, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वही छोड़ देना, इसे पीछे मत देने जाने देना। आगरा के लोगों, भीम नगरी के लोगों, एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, क्या बाबा साहब अंबेडकर का कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा? बताओ, झूठ बोल रहा हूं? आरक्षण दो जगह लागू है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सरकारी शिक्षा का जवाब मुझसे मांगिए, नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई 45,000 देश में डिग्री कॉलेज सरकारी थे, अगले 20 साल में 2047 तक उनको कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी बनाई गई है। गूगल कर लेना, थोड़ा गूगल करके पता चलेगा कि जब नए स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलने थे तो देश की पॉलिसी बनी है कि सरकारी डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे। बताओ, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है? आपके जिले में जितने सरकारी स्कूल बने हुए हैं, आपकी जेब में अगर पैसा है तो ईमानदारी से बताओ, अपने बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में भेजोगे? सच सच बताना, अपने बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में भेजोगे? ये जितने भी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, मंच पर सरकारी लोग हैं, नेताजी लोग हैं, सबके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सच सच बताइएगा, जितने सरकारी कर्मचारी लोग हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं क्या? उस सरकारी स्कूल में जाकर सर्वे करा लेना, दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर, मजलूम के बेटा बेटी मिड डे मील का खाना खाने के लिए जब मोहताज हैं, तो वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, और जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, फिर डीयू जेएनयू जाते हैं और विदेश में पढ़ाई करते हैं। बताओ, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहां न मास्टर है, जहां न कोई चीज है, और एक बच्चा वहां के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है जिसको 5 दिन स्कूल जाने के लिए 5 तरह का ड्रेस है, 50,000 रुपए फीस दी जाती है, जब दोनों बच्चे 12वीं पास होकर के खड़े होंगे तो बताओ दोनों बराबर खड़े होंगे क्या? पैदा होना तय कर देता है कि किसके बेटा बेटी आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। संविधान ने हक दिया था कि गरीब कमजोर के भी बेटा बेटी अच्छी शिक्षा से आगे बढ़ सके, लेकिन सरकारी शिक्षा बर्बाद हो गई और गरीब कमजोर के बेटा बेटी अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जिसके जेब में पैसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से 15 साल पहले जब मैं गया था तो जिस कोर्स की फीस 4,000 रुपए थी, आज गूगल करके पढ़ लो, उसकी फीस 40,000 रुपए हो गई है। आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ी क्या? सच सच बताओ, आमदनी बढ़ी क्या? पेट्रोल की कीमत घटी की बढ़ी? डीजल, सिलेंडर, आमदनी घटी। बाकी और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच है, लेकिन समझ तो गए होंगे। एक दो बात और कह दूं। एक दोस्त था, वो तोता पाले हुए था, तोता। तो तोता गेट पर बधा रहता था, तो जब उसका एक सबसे परम मित्र आता था तो तोतवा उसको देख करके कहता था, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। वो बड़ा नाराज हुआ,
फिर अगले दिन आया तो तोता बोला पागल आ गया पागल आ गया। फिर तीसरे दिन जब तोता बोला तो वो दोस्त अपने दोस्त को बुलाकर कहा सुनो तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, ये जब मुझको देखता है तो कहता है पागल आ गया पागल आ गया। तो दोस्त आया तोते के पास कहा खबरदार आज से अगर तुमने इसको पागल बोला तो तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। नहीं समझे? और ये हमारे दोस्त हैं इनको आज से कुछ मत बोलना। दोस्त खुश हो गया और अगले दिन जब वो दोस्त उसके घर आया दोस्त तोते को देखा तोता दोस्त को देखा कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद उसने तोते को देखा तोते ने इस दोस्त को देखा कुछ नहीं बोला। जब जाने लगा तो तोता कहा सुनो समझ तो गए ही होंगे। इसलिए वैचारिक मन से केवल यही कहने आया हूं इशारे में कि समझ जाना समय रहते। आखिरी बात कह के शिक्षा वाली बात जो कहनी थी मुझे वो मैंने आपसे कही है कलम और किताब बिक गई ना तो पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। ये मेरी बात कहीं नोट करके रख लेना क्योंकि आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो चेतना संपन्न नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे तो उनको पता होगा भाई आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहां कैसे क्या है इसका विवेक कौन करता है शिक्षा देती है। ज्योतिबा फूले ने लिखा विद्या बिना मति गई मति बिना गति गई गति बिना वित्त गया वित्त बिना सूत्र चरमराए एक अविद्या ने इतने अत्याचार किए। कलम और किताब बांटने वालों आप जाकर के घर घर सावित्री बाई फूले को पढ़ना। स्कूल खोला था दलित बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने। स्कूल में जब पढ़ाने जाती थी तो पिता ने घर से मार कर निकाल दिया पता है ना पिता ने घर से निकाल दिया ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले नाराज होकर तपस्या करने नहीं गए थे। ज्योतिबा फूले स्कूल खोलते हैं और सावित्री बाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाती हैं तो दो साड़ी लेकर के जाने को मजबूर होती हैं। नई पीढ़ी के नौजवानों तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे कलम और किताब के लिए हमारे पुरखों ने कितना बलिदान दिया था। वो जब स्कूल में पहुंचती हैं तो वो साड़ी बदलती हैं जो गंदी हो गई थी तब जाकर के कलम और किताब हमारे हाथ में आया और जब कलम और किताब आया तब कोई भीमराव अंबेडकर पैदा हुआ तब कोई मान्यवर कांशीराम पैदा हुआ तब कोई बीपी मंडल पैदा हुआ। कलम और किताब हाथ में आई तब कोई लक्ष्मण यादव जैसा पैदा हुआ। अगर ये कलम किताब नहीं होती तो हम आपके बीच में कभी नहीं आते। इसलिए आपसे गुजारिश है आपसे विनती है आप पहचानो जो कलम और किताब का दुश्मन है वो आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन है। जिसकी चिंता में आपके बच्चों की शिक्षा नहीं है जिसकी चिंता में आपके बच्चों का रोजगार नहीं है जिसकी चिंता में पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई महंगाई नहीं है वो आपके संविधान की हिफाजत नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं बहुत सारी बातें छोड़ देता हूं। ये आखिरी बात की और आखिरी पैगाम 2024 की भीम नगरी से अपने इन तमाम भीम के मसीहा के इन तमाम मानने वाले लोगों को हमारे पुरखे लायक थे तो उनके नाम पर इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आज से 25 साल बाद आज से 50 साल बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी साहब कि जब तुम थे तो संविधान इतना बचा था मैं क्या बोलूं। अभी आयोजन समिति के एक आदमी आकर बोले इस कार्यक्रम को कराने में बड़ी मुश्किल आ रही थी और आपने मदद किया तो कार्यक्रम हुआ बताइए बोला कि नहीं। और अब ये बताइए बाबा साहब का कार्यक्रम कराने में क्यों मुश्किल आ रही थी भाई। इस कार्यक्रम को तो अपने आप कह देना चाहिए कि नहीं इससे बढ़िया कार्यक्रम क्या होगा और आप कार्यक्रम करिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आई ना मुश्किल कहीं एक बार याद रखना मेरे देश के लोगों बड़ी मुश्किल से एक मोहब्बत भरा ये भारत बना है। कभी हिंसा का सहारा मत लीजिएगा। जहां आपको लड़ाने का काम किया जाए वहां चुप हो जाइएगा क्योंकि हमारे किसी भी पुरखे ने अपने हाथ में तलवार नहीं पकड़ी हमारे पुरखों ने कलम पकड़ी थी और आज का सबसे बड़ा हथियार कलम है। इसलिए कलम पकड़ करके कलम की हिफाजत करना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए किसी भी तरह की हिंसा हो
लोग लड़ाने आएंगे, लोग आपको झगड़ाने आएंगे, लोग आपको भड़काने आएंगे कि तुम्हारा दुश्मन कौन, समझ रहे हैं ना। इसलिए एक बात को याद रखिएगा कि असली दुश्मन कौन जो कलम और किताब छीन रहा है, असली दुश्मन कौन जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए आखिरी वाक्य है, बाबा साहब अंबेडकर इतना कर गए कि हम उनकी जयंती मना ले रहे हैं, नहीं तो अग्निवीर तो आ ही गया है, चार चार साल पे रिटायर होते रहिएगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 1890 में एक भाषण दिया कि देश में जो गरीब कमजोर किसान मजदूर पैसा टैक्स देता है वो पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आप ही गूगल करके पढ़ना, अंबेडकर को पूजना नहीं, अंबेडकर को पढ़ना, क्योंकि अंबेडकर अगर मूर्ति में रहते तो मूर्तियों वाले उन्हें मूर्ति तो वहां भी बना देंगे जहां अंबेडकर के सपनों के खिलाफ काम हो रहा है। जब अंबेडकर विचारों में होंगे तब वो जिंदा होंगे। इसलिए उनकी किताबों को घर घर ले जाना और उनसे ये दावा करना कि इस देश को खूबसूरत लोकतंत्र अंबेडकर ने दिया है, इस देश को मोहब्बत का भारत अंबेडकर ने दिया है, इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। आओ अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए एक बस वादा लेके जाओ कि अंबेडकर में इतना दम था कि हम उनको याद करके सीना तान कर खड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, 50 साल 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब तुम थे तो संविधान था, जब तुम थे तो सरकारी शिक्षा थी, जब तुम थे तो सरकारी रोजगार था, जब तुम थे तो भारत मोहब्बत और प्यार से रहा करता था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए हो जहां कुछ भी नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगा, उन पीढ़ियों से आंख कैसे मिलाऊंगा। वो कहेंगे कि पुरखे नालायक थे, वो ऐसा भारत बचा भी नहीं पाए जिसको बनाने में बाबा साहब अंबेडकर के चार चार बच्चे कुर्बान हो गए और वो कुर्बानी बाबा साहब अंबेडकर की जाया होने दे रहे। इसलिए एक चिड़िया जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से वहां पहुंच रहे, पेड़ जलने लगा तो सारी चिड़िया उड़ गई, कुछ चिड़िया वहां बैठी थी। एक कवि ने कविता लिखी कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पास, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। अंबेडकर को मानने वालों पैगाम सुनना मेरा, उन चिड़ियों ने जवाब दिया कि फल खाए इस वृक्ष का और कंधे कीन्हे पास, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ, तब जाकर के हम उस पेड़ का कर्ज निभाएंगे। तो वह चिड़िया जंगल की आग में अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंसने लगी कि तू कितनी नादान, इतनी बड़ी आग लगी है, तेरे चोंच के एक बूंद पानी से वो आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का जवाब मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।